मैं उनकी हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करता था, पीयूष जी की मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उनका थिएटर भी फॉलो करता था, मैं उनकी हर फिल्म फॉलो करता था, उनका जो गाने हैं, जो उनकी वॉइस है उसको भी। मुसलमान को हर कोई एक गलत नज़र से देखता है, मैं हमेशा उस चीज़ के खिलाफ कि एक इंसान अच्छा और बुरा होता है, उसका कौम से, उस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं। तो फिल्म भी हमारी उसी चीज़ के ऊपर है कि अगर एक मुसलमान है तो हमारे कौम के लिए मदद करेगा, कौम को टच करके, वो उसको इमोशनल पार्ट को टच करके वो मुसलमानों से गलत काम कराता है। तो इस चीज़ के मुझे हमेशा से खिलाफ में हो, और यही हमारी फिल्म में दिखाया गया, इसी को प्रमोट किया गया है कि आप प्लीज़ प्लीज़, कोई मुसलमान होता है वो कोई गलत नहीं होता है, इंसान अच्छा और बुरा होता है, ज़रूरी वो है कि आप कैसे इंसान हो। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उससे आपका कोई लेना देना है, वो एक आपके ऊपर ठप्पा लगा के आपके साथ गलत काम किया जाए बस। आपको लगता है इस तरह की फिल्म एक सोशल मैसेज कैरी करती है, फिल्म को कहीं ना कहीं स्टेट या सेंट्रल मशीनरी में टैक्स फ्री के लिए भेजना चाहिए? जी जी, यहाँ पे कई सारा हम लोगों ने प्रमोट किया है और कई जगह भेजा भी है, शायद वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, हमारी फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है। ओके, ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे हुआ, क्या प्लानिंग थी और किस तरह से पूरी फिल्म का जन्म हुआ? यू नो, और नाम भी बड़ा यूनिक है। हाँ, वो मुझे यू नो इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ यू नो ट्रेन की आउटकम जो नंबर होते हैं वो याद दिलाती है, लेकिन कुछ और ही है। जी जी जी, ये जैमिन सर ने मेरा ऑडिशन लिया था, मैं वहाँ पे ऑडिशन करने गया था, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर जैमिन सर ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट बताई, ये सब बताया, वो सब बताया, उन्होंने मेरा नजरिया सूचना रखी, उन्होंने पहले मुझे स्क्रिप्ट दी और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसी लगी तुम्हें स्क्रिप्ट, तुम अपने नज़रिए से फिल्म को क्या देखते हो। और हमेशा से मेरे मन में क्वेश्चन था, मैं अपने घर में भी पूछता था कि ये ऐसा क्यों, गलत क्यों। ये बहुत पुरानी बात है कि मेरे सर एक पढ़ाने आते थे मुझे, वो मुसलमान थे, वो मेरी दादी मुझे हमेशा मना करती थी कि उनके पैर मत छू। मैं घर में क्वेश्चन पूछता था कि भाई क्यों, वो पहले वो गुरु है मेरे लिए, मेरे टीचर है, मैं उनसे पढ़ के एक आगे ऊपर जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने जैमिन सर से डिस्कस की कि सर ये मेरा, मैं इस तरीके से इस फिल्म को देख रहा हूँ, मेरा ये नज़रिया इस फिल्म को देखने का। तो उन्होंने मेरे चीज़ को समझा, मैंने उनसे और डिस्कशन हुआ, इस तरीके से हमारा पूरा फिल्म स्टार्ट हुआ। और बहुत प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है, रियल लोकेशन में शूट किया है तो दिक्कतें बहुत होती हैं, पर ओवरऑल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जैमिन सर, जो मेरी फिल्म पूरी तरीके से कम्प्लीट हुई, रिलीज़ हुई है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई, थैंक यू सो मच। इसके बाद क्या प्लान है? अभी जैमिन सर ने अभी मार्च से अप्रैल से हमारे और भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब जैमिन सर के साथ ही काम कर रहा हूँ मैं आगे भी। क्योंकि फिल्म सोशल मुद्दे को छूती है, फिल्म को फेस्टिवल में भेजना चाहिए। हाँ, फेस्टिवल में एक्चुअली कुछ चीज़ें हुई जो फेस्टिवल में फिल्म नहीं जा पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे और कुछ भी चीज़ें थी जो टाइम पे पूरा नहीं हुआ, पर अभी आगे से जो भी करना है अब अच्छे से कर रहे हैं। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने? मैसेज तो सबसे बड़ा यही है कि जो आप लोगों के बारे में सोचते हो और कौम के बारे में सोचते हैं वैसा रियल में कुछ नहीं होता। जैसे अभी का न्यूज़ का लेटेस्ट है, किसी का बॉयफ्रेंड को शायद मार दिया था और उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया था कि बॉयफ्रेंड मुसलमान था या हिंदू था, उससे कनेक्ट करके पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी वो अपना ये जोड़ रहे थे कि हिंदू है मुसलमान है, इसलिए मुसलमान को मार दिया, हिंदू से मार दिया। पर उसके जो फादर सामने आए उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा बेटा मरा है, आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, उसको हिंदू मुस्लिम से कनेक्ट कर रहे हैं। वो दिल्ली का कांड, हाँ दिल्ली का कांड है। तो आप ये चीज़ आप देख रहे हो ना कि जो बड़े लोग होते हैं जो कैसे दिमाग लगा के आपको कौम के साथ जोड़ देते हैं और अपना अपना चीज़ पूरा करते हैं। करनी सेना भी यही किया उन्होंने, वो उठाया, उसको पद्मावत के बारे में या पद्मावती के बारे में फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता है, न्यूज़ में आके उनसे पूछ रहे कि भाई कौन थी पद्मावती जी, उनकी क्या हिस्ट्री है, कब पैदा हुई, कुछ नहीं पता, वो तलवार निकाल के बैठा है भाई, हाँ निकाल मार दूंगा, उसको मार दूंगा, क्या कर लोगे मार के यार, तुम्हें अपना नॉलेज नहीं है, तुम पहली बार तैयार करके आओ, पढ़ के आओ कौन थी क्या है, और अब उसको कनेक्ट करके आप आदमी उछाल रहा है। वैलेंटाइन डे पे मैंने कल ही मैं देख रहा था, वैलेंटाइन डे पे पार्क में लड़का लड़की बैठा उसको जाके मार रहे हैं, ग्रुप में जा रहे मार रहे हैं कि क्यों भाई क्यों मार रहे हो, 18 साल से बड़ा ऊपर है वो साथ में बैठा हुआ। तो मैं ये चीज़ आपको समझनी चाहिए ना, सोचने वाली बात है ना कि आपके कोई बड़ा लोग या कोई भी कौम से आपको कनेक्ट करके कुछ भी आपसे करा लेगा, आपके पास आपके माइंड का कंट्रोल ही नहीं है, कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है किसी और तरीके से, आपको रिमोट कंट्रोल कर, सीधी सी चीज़। तो ये चीज़ आप फिल्म में मैसेज भी मैं ये देना चाहता हूँ कि आप किसी के कंट्रोल होने से आप मत कंट्रोल करिए, आप
चीज़ों को पहले समझिए, क्या फिल्म बोल रहा है, क्या आपको करना है, क्या गलत है, क्या सही, उसको सोच के दिमाग लगा के वो चीज़ करें, बस यही है फिल्म का मैसेज। थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं कहा जा सकता, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो इस फिल्म में डायरेक्टर ने नरेट करने की कोशिश किया है। हमारे सारे एक्टर्स ने बहुत ही शानदार काम किया है। देखिए, सही बात तो ये कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, एंड किसी स्पेशल रिलीजन के साथ उसका कोई कनेक्शन करना या जोड़ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत है। हाँ, समाज में बुराइयाँ हैं, लोगों में बुराइयाँ हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को लेके बोलना दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन इसको किसी स्पेशल चीज़ों से जोड़ना या कहना, ये मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट। जी जी। यस, अभी का जो करंट सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, ये हमारे देश के लिए और ख़ास करके हम युवाओं को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी जो देश में रोटियां, राजनीतिक रोटियां जो सेकने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हम सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम लोगों की वजह से वहाँ तक पहुँचते हैं। हम लोग बहुत विश्वास, बहुत उम्मीद करके उनको वोट करते हैं कि नहीं, हमारी एक नई उम्मीद की किरण है, हमको करना है और इंडिया को आगे करना है, हमारे देश को आगे करना है, लेकिन ये लोग हमारे जज्बात के साथ, हमारे इमोशन के साथ पूरी तरीके से उस सीट पे पहुंचने के बाद खिलवाड़ करते हैं। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत उम्मीद के साथ अपने नेताओं को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं। ओके, क्या आपको लगता है फिल्म का टाइटल कुछ और तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं जब आम आदमी की बात करता हूँ, मैं बड़ा कॉमन मैन, ही डोंट अंडरस्टैंड दिस, एक फील आता है जैसे किसी प्लेट का अकाउंट नंबर है या कुछ, फिल्म का टाइटल ये रखें। देखिए, हाँ, हर डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, एंड डायरेक्टर को ज़्यादा पता होता है कि वो किस लेवल पे और किस तरह का टाइटल चुनेगा तो अट्रैक्ट करेगा पब्लिक को, एंड पब्लिक जब आती है फिल्म देखने के लिए, तब उसको लगता है कि बस अच्छा ये फिल्म थी, एंड टाइटल इस वजह से ऐसी रखी गई थी, है ना। जी जी। यस, मैं यही कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में, प्लीज़ उसके लिए भी आए हमारे इस फिल्म को देखने के लिए, एंड मैं श्योर हूँ एक बार कोई आएगा ये फिल्म देखने के लिए तो उसको 100% फिल्म ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, देखनी चाहिए। मैंने मुझे लाइक समझा तो मुझे सोचा मैंने क्या है क्या नहीं, क्या रोल तो घर बहुत अच्छा रोल है, छोटा सा है लेकिन अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे पूरी फिल्म इतनी अच्छी लगी है कि बस मज़ा आ गया। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म एक बार आकर जरूर देखें और सबको अच्छी लगी है। सर, ये फिल्म बहुत दमदार है, मैं सबसे पहले तो जमीन सर को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो कि मतलब देश के लिए प्रेरित करती है लोगों को करने के लिए, जैसे युवाओं के लिए कि यार कौम वोम कुछ नहीं है, सबसे पहले देश के लिए सोचेंगे। जिस तरह से मतलब जज्बा आता है इसमें, जब क्लाइमेक्स में जो जिस तरह से तिरंगा दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि मेरे देश के तिरंगे के लिए लोग, मतलब आज के युवा, मतलब चाहे हिंदू हो, मुसलमान कोई भी हो, उसके लिए जी जान से लगा देते हैं, मतलब कुछ भी करना है, हमें अपने देश को बचाना है, कोई कौम वोम कुछ नहीं है, बस ऐसा मुझे। फिल्म ये बेसिकली हमारे हिंदू और मुस्लिम और इन सारी चीज़ों को जो इश्यूज़ होते रहते हैं जनरल हमारी लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर बनाई गई है, और बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया गया है इस फिल्म में। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी सोसाइटीज़ में, जो हमारे कौम और मुस्लिम हिंदू भाई लोग जो ये जो इश्यूज़ जो क्रिएट होते हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई हैं कि लोग किस तरीके से कौम और इन चीज़ों को मतलब बढ़ावा देके और लोगों से गलत काम कराते हैं, नए नए बच्चों को गुमराह करते हैं और उनसे गलत गलत काम कराए जाते हैं। आतंकवाद किन चीज़ों को और किस हिसाब से कैसे मोहरा बना के हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं या जो नए लोग हैं उनको यूज़ करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, और हम एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जिससे कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आप आतंकवाद और धर्म और ये सब चीज़ों को लेके दरकिनार करके एक अच्छी ज़िंदगी जिए और इन चीज़ों पे इश्यूज़ पे ध्यान ना देते हुए और अच्छे से अपना। और जो मेंटेलिटी है लोगों के दिमाग में माइनॉरिटी को लेके, तो वो चेंज होती है उसको देखने के बाद में। जो इसमें मतलब करेक्टर दिया गया है उसको इतना अच्छा बखूबी निभाया गया है कि इससे मेंटेलिटी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मुस्लिम हमेशा ये गलत ही रहते हैं, कुछ गलत काम होगा तो मुस्लिम ने किया होगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसको मूवी को देखने के बाद मतलब लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी उसके लिए। थैंक यू। कितनी ब्रॉड फिल्म करेंगे?
था क्योंकि इतनी टफ मूवी, इतने डायलॉग उसके हैवी हैवी, फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई तो जैमिन सर ने बोला कि आप करो ये मूवी। मैंने की उनके साथ, बहुत मेहनत की चौल में जाके शूट करना, चौल में जाके शूट करना, इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी, रोज जाते थे, रोज घर भी छोड़ देते थे, इतना प्रॉब्लम होता था चौल में जाने के लिए हम लोगों को। हीरोइन के साथ रहना पड़ता था, कोई कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे हम लोगों को सेट पे, तो बस लेकर एक नया एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को उनके साथ। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम देखने के डायरेक्टर जो फीमेल डायरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रही हैं, नए नए सब्जेक्ट लेकर फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पैशन है, क्या ड्रीम्स है, क्या किस तरह का सब्जेक्ट फिल्म बनाना चाहते हैं? मैं सैड मूवी बनाना चाहती हूँ। मुझे सैड मूवीज पसंद है, लव स्टोरीज भी पसंद है, बट सैड मूवी ज़्यादा पसंद है। नहीं नहीं, ये मेरी मतलब 12-13 फिल्में की हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने। अभी अनिल शर्मा की जीनियस मूवी मैंने की है, मतलब आधी की है आधी नहीं की है, और बाकी अभी और प्लानिंग है जैमिन सर के साथ ही कुछ करने की। थैंक यू। मैंने मूवी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पूरे ऑडियंस से एक बार कहना चाहूँगी कि आप लोग मूवी जाके देखिए, बहुत अच्छी मैसेज है मूवी में, देखोगे तो पता चलेगा, बहुत अच्छी मूवी है, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इस मूवी में नहीं हूँ लेकिन नेक्स्ट मूवी में रहूँगी मैं, और मैं जैमिन सर के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मैं नेक्स्ट मूवी में दिखूँगी। पहले हम आपके हैं कौन, वो पिक्चर में टीवी पे नहीं आई थी, तो सबसे पहले आई थी उसमें थिएटर में, तो वो छोटा था ये, तो मैं इसको लेके गया थिएटर में पहली बार। जब इसने एकदम देखा, एकदम बड़ा स्क्रीन, एकदम चिल्ला के बोला पापा कितना बड़ा टीवी। तभी सोचा था इस प्रकार से बड़े पर्दे पे भी आएगा, तो बड़े पर्दे पिक्चर देख के अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है पिक्चर, मतलब बच्चा बहुत खुशी हुई मुझे पहली पिक्चर देख।